गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लिया है एक अहम फैसला, अब डॉक्यूमेंट्स पर लगेगा वालदा का नाम। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर वालदा का नाम लगने वाला है? क्या हमें अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे? ये जो है फैसला किस के लिए जो है अप्लाई होगा? और जो शादीशुदा औरतें हैं उनको अपने नाम लिखने की जो है मेथड क्या रहेगा? तफसीली बात करते हैं इस वीडियो पर। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वालदा का नाम हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पहले से ही था, इसमें नई बात कौन सी है? अगर हम हमारा सनद निकाल कर देखें 10वीं की या 12वीं की, उसके ऊपर भी वालदा का नाम जो है होता था, तो यहां पर नई चीज क्या है? लेकिन वालदा का नाम या मदर्स नेम जो है जो पहले हुआ करता था उसके लिए एक अलग से सेक्शन था। आप देख सकते हैं कि भी अलग से सेक्शन था, वहां पर जो है नाम लिख दिया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यह फैसला लिया है कि माँ का नाम जो है वो वालिद से पहले आएगा। किसके लिए कंपल्सरी है? जो 1 मई 2024 के बाद जो है पैदा होने वाले बच्चे जो है उनके लिए ये उसूल रहेगा कि मदर का नाम वो जो है फादर से पहले आए। इसलिए याद रखिए कि 1 मई 2024 के बाद के जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके लिए जो है ये कंपल्सरी किया गया है कि वालदा का नाम वो वालिद से पहले हो। तो यहां पर देखेंगे हम किस तरह से, किस मेथड से लिखा जाएगा। तो सब में पहले लिखा जाएगा कैंडिडेट्स नेम, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, बच्चे का नाम हो सकता है, तो पहले बच्चे का नाम आएगा एज यूजुअल जैसे हम अब तक लिखते आए हैं। उसके बाद जो है वो मदर्स नेम रहेगा, यानी माँ का नाम रहेगा, वालदा का नाम रहेगा। उसके बाद रहेगा फादर्स नेम, वालिद का नाम। और उसके बाद अगर सरनेम है तो सरनेम जो है आखिर में लिखना है। पहले क्या करते थे हम, अपना नाम लिखते थे, वालिद का नाम लिखते थे। लेकिन नए कानून के मुताबिक जो है और 1 मई 2024 के बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनके नाम में फादर से पहले जो है वो माँ का नाम जो है लिखा जाएगा। माँ के बाद जो है वो वालिद का या बाप का नाम जो है रहेगा और आखिर में सरनेम रहेगा अगर आपके पास सरनेम है तो। इस तरह से जो है मेथड रहेगा। अब बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये नाम जो है अप्लाई होगा। तो पहला है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट पैदाइश का जो सर्टिफिकेट होता है वहां पर जो है इस मेथड से नाम लिखा जाएगा, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और सरनेम अगर अप्लीकेबल है तो सरनेम का। तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो है ये नाम जो है चेंज किया जाने वाला है 1 मई 2024 के बाद से। स्कूल एडमिशन के फॉर्म जो है, स्कूल का एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं आप, उसमें भी इसी मेथड के ऊपर जो है किया जाएगा। उसके बाद ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, यानी जितने भी तालीमी जो है कागजात रहेंगे उसके ऊपर भी बच्चे का नाम, वालदा का नाम, वालिद का नाम और जो है सरनेम, इस तरह से जो है ये नाम लिखने हैं। उसी तरीके से जो जमीन के 7/12 होता है उसके ऊपर भी, या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी नाम को इसी अंदाज के अंदर लिखा जाना है। उसी तरीके से गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो उनके जो सर्विस बुक रहेंगे उसके ऊपर भी जो है इस तरीके से नाम जो है लिखने की जो है हिदायत जो है जारी की गई है। उसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के जो है उनकी सैलरी स्लिप भी इसी तरीके से निकाली जाएंगी। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी उनका बनाते वक्त जो है या नाम लिखते वक्त जो है इसी मेथड के ऊपर, जिसमें जो है कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम जो है लिखा जाना है। और डेथ सर्टिफिकेट है, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसमें भी जो है इसी मेथड के ऊपर नाम लिखा जाएगा, किनका, जिनकी पैदाइश जो है 1 मई 2024 या उसके बाद से जो है शुरू हो रही है। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 1 मई 2024 से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हमको वैसे ही रखना है। जैसे मेरा नाम है और मेरे वालिद का नाम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे मेरा नाम और वालिद का नाम होता है और वालदा का नाम जो है अलग सेक्शन में है, तो वो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसी को वैसे ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। ये बात आप याद रखिए। ये रूल्स जो है उन बच्चों के लिए है जो 1 मई 2024 के बाद जो है पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं शादी के बाद जो है नाम लिखने की, यानी जो खवातीन शादी के बाद जो है नाम को किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एज यूजुअल मेथड से, जिस तरह से अभी तक जो है नाम लिखते आ रहे हैं उसी मेथड पे जो है नाम लिखने हैं। किस तरह से, पहले खाने के अंदर खवातीन जो है नाम लिखेंगी, उसके बाद जो है हस्बैंड का नाम या वालिद का नाम, हस्बैंड का नाम लिखना है या जो है फादर का नाम ही रखना है, ये जो है उन खवातीन पर मुनसिर रहेगा कि उनको कौन सा नाम जो है उसके ऊपर लिखना है। ये जो है सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कि चाहे वो फादर का नाम या फिर जो है हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद जो है सरनेम लिखना है। तो इस तरीके से ये चेंजेस किए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो मालूमाती और इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हासिले इल्म चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक